हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पेयूस बना रही हूँ। ये प्योर गाय का पेयूस है, ये तुरंत का फ्रेश वाला पेयूस है। तुरंत शाम को भैया ला के दिए थे, हमारे यहाँ जो मिल्क वाले भैया आते हैं वो। ये 1 लीटर से ज़्यादा पेयूस है, 1.25 लीटर के करीब। और इसके लिए मैंने 3 लीटर थोड़ा सा और दूध ले लिया है, कच्चा वाला, इसमें मिक्स करके बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए बर्तन बहुत ज़रूरी है कि कौन से बर्तन में बना रहे हैं। मैं ये बड़ा वाला गंजी का यूज़ करूँगी, इसमें पानी भरूँगी, उसके बाद एक स्टैंड रख के ढोकला के जैसे ही इसे बनाऊँगी, बड़े सी गंजी में डालकर। इसे पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मैं इसमें गुड़ कितना लगेगा वो अपने अंदाज से डालती हूँ, सबको मिक्स करके देखने के बाद। पहले मैं ये बड़ी सी गंजी में ये पेयूस वाला दूध को डालूँगी, एकदम गाढ़ा ही पेयूस है। अब इसमें इस गंजी का दूध 2.5 लीटर है, इसे डाल दूँगी। मैंने पेयूस और मिल्क को एक साथ मिला लिया है। और ये 700 ग्राम गुड़ है, इसमें गुड़ और हल्का सा चीनी डालूंगी कलर के लिए। पूरा गुड़ डालेंगे ना तो कलर इसका ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। 700 ग्राम गुड़ है, इसे फोड़ कर इसमें ऐड कर लेंगे। इतना गुड़ को ऐसे हाथ से फोड़ कर इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा मैं बात करने लग गई थी तो वीडियो बनाने में ध्यान नहीं था, भूल गई थी, गेस्ट आ गए थे। तो इतना डालना है इसमें। इतना डालने के बाद हल्का सा चीनी डालेंगे। ये समझिए कि मैंने डाल दिया इसमें 700 ग्राम गुड़। अब इसमें हल्का सा चीनी भी डालेंगे। मेरे पास ये है, ये कप है मेजर वाला, इसी से मैं चाय में चीनी डालती हूँ। ये 100 ग्राम है, इतना को डालेंगे। और ये 50 ग्राम है, इसे भी डालेंगे। अब इसे दलमथनी में एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें गुड़ को फोड़ कर डाला था तो वो भी इसमें घुल चुकी है, और चीनी को ऐसे मिक्स कर देंगे तो वो भी घुल जाएगी। और इलायची मैं नहीं डालती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो एक दो इलायची इसमें ऐड कर सकते हैं। इलायची इसमें नीचे बैठ जाता है इसलिए नहीं डालती हूँ, और अगर एक दो डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 इलायची डाल ही देती हूँ खुशबू के लिए, ज़्यादा डालूंगी ना तो नीचे बैठ जाएगा, इससे खुशबू आएगी बढ़िया, हल्का सा इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। अब इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अब पेयूस को छान लेंगे। मैंने एक पतीला ले ली है छोटी साइज की। अब इसे जिस गंजी में हमें बनाना है उस गंजी में छान कर डालेंगे। मैं इसे 2 गंजी में बनाऊंगी 2 बार करके, क्योंकि क्वांटिटी इसका ज़्यादा है। अब इसे साइड में रख लेंगे। गंजी ले ली है मैंने जो बचा हुआ है उसके लिए। अब इसे भी छान लेंगे। अब मैंने बड़ी वाली गंजी को धो लिया है, अब इसमें पानी डाल लिया है। ये दोनों पेयूस है, इसे मैंने बनाने के लिए तैयार कर लिया है 2 गंजी में, एक बड़ी गंजी में एक छोटी साइज की गंजी में। इधर मैंने बड़ी साइज की गंजी में पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इधर मीडियम साइज की गंजी में इसमें छोटा वाला गंजी को रखेंगे। ये छोटी वाली गंजी है, और मेरे पास ये स्टैंड है छोटी साइज का, इसे मैंने बीच में रख दिया है। अब इसमें रखेंगे, हाथ से नहीं रख पाई, बहुत गर्म था इसलिए मैं इसकी हेल्प से रख रही हूँ। ध्यान से ऐसे रखेंगे, इसे ऐसे छोड़ देंगे। अब इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर एक और ढक्कन लगाएंगे, और ये जब ये पूरा उबलने लग जाएगा ना तो गैस की फ्लेम को मीडियम में कर देंगे। अब ये दूसरी वाली पानी भी गर्म हो गई है बड़ी वाली गंजी की, देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी कम है, क्योंकि जब गंजी को रखेंगे ना तो पानी अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ध्यान से रखेंगे इसे। अब इसे भी ढक देंगे, ये पूरा कवर होना चाहिए, इस हिसाब से प्लेट लेंगे। अब इसे भी ऊपर से कवर कर देंगे, और जब ये तेज़ बॉईल होने लग जाएगा ना तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, अभी फुल में है।
दूसरी वाले भी फुल में है, देख सकते हैं। जब जब पानी का छींटा इधर से आने लग जाएगा ना, तब मीडियम में कम में करके छोड़ेंगे। 45 मिनट के लिए पकाना है इसे। देख सकते हैं ये तेज़ बॉईल हो रहा है, ढक्कन कैसे हो गया है। अब इसे ढक्कन को ठीक कर देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम में कर देंगे, नहीं तो ढक्कन नीचे गिर जाएगा। अब मीडियम में इसे पकने देंगे। ये दूसरी तरफ का भी देख लेंगे, एक कपड़े से ओपन करके पानी इसका कितना बॉईल हो रहा है। अगर एकदम तेज़ बॉईल हो रहा है तो कम कर देंगे, अभी कम नहीं करेंगे इसे। इसे भी मीडियम फ्लेम में कर देंगे आप। ये भी बॉईल होने लग गई है अच्छे से, स्टीम आ रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बन चुका है अभी ये, और 45 मिनट पूरा फिक्स हो चुके हैं। इसमें एक चम्मच डालकर देख लेते हैं। ये देखिए अभी नहीं बना है, चम्मच में चिपक रहा है, ऊपर से तैयार हो गया है लेकिन नीचे का भी कच्चा है क्योंकि चम्मच में लग रहा है। इसे 15 मिनट के लिए और पका लेंगे, फिर से ढक देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी इसे और चेक कर लेते हैं। अब चम्मच में नहीं लग रहा है, हो चुका है, इसे बंद कर देते हैं। एक बड़ी साइज का चम्मच लें, मैं अभी ऐसे ही दिखा रही हूँ, ऐसे फिर साइड से कट करते हुए ऐसे निकालेंगे। ये देख लिए कितना, देख लीजिए कितना अच्छा दिख रहा है। आप लोगों को मेरी ये पेंउस की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।